बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। अवध हो या बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश के कोने कोने को विकसित करने का अभियान जारी रहेगा। यूपी प्लस योगी बहुत है, ये काम भी अब दमदार योगी जी की सरकार और स्थानीय प्रशासन ने किया। ये आपका प्यार, ये आपके आशीर्वाद हमें दिन रात काम करने की प्रेरणा देते हैं। भाइयों बहनों, आप जानते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसी स्थिति के चलते कई गांवों से पलायन तक की खबरें आए दिन आती रहती थी, लेकिन बीते चार साढ़े चार साल में योगी जी की सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए बहुत परिश्रम किया है। आज जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। तभी आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है, यूपी प्लस योगी, यूपी UPYOGI, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। साथियों, मैं इसका एक और उदाहरण देता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक खबर देखी थी, एक खबर तो है हमारे सामर्थ्यवान शहर मेरठ की, लेकिन पूरे यूपी, दिल्ली NCR और देश के बाकी राज्यों को भी इस बात को जानना जरूरी है। भाइयों और बहनों, मेरठ में एक मोहल्ला हुआ करता है, एक बाजार है सोतीगंज। ये सोतीगंज देश भर में कहीं भी गाड़ी की चोरी हो, वो कटने के लिए, गलत इस्तेमाल के लिए मेरठ के सोतीगंज ही आती थी। दशकों से ऐसा ही चला जा रहा था। जो चोरी की गाड़ियों की कटाई के आका थे, उन पर कार्रवाई की पहले की सरकारों को हिम्मत ही नहीं होती थी। ये काम भी अब दमदार योगी जी की सरकार और स्थानीय प्रशासन ने किया।
अब सोतीकंज का एक काली बाजारी वाला बाजार बंद कर दिया गया है। भाई और बहनों, जिनको माफिया का साथ पसंद है वो माफिया की ही भाषा बोलेंगे, हम तो उनका गौरव गान करेंगे जिन्होंने अपने तप और त्याग से इस देश को बनाया है। आजादी का अमृत महोत्सव इसी भावना का प्रतीक है। देश की आजादी के लिए जीवन समर्पित करने वालों को उनका उचित स्थान दिलाना, ये हम सभी देशवासियों का कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। इसी कड़ी में शाहजहांपुर में शहीद संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। संग्रहालय में शहीदों की स्मृतियों को संजोया गया है। ऐसे प्रयासों से यहां आने वाली नई पीढ़ी को राष्ट्र के प्रति समर्पण की प्रेरणा हमेशा मिलती रहेगी। आपके आशीर्वाद से यूपी के विकास का एक कर्मयोग ऐसे ही निरंतर जारी रहेगा। पूर्व हो या पश्चिम, अवध हो या बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश के कोने कोने को विकसित करने का अभियान जारी रहेगा।